अभी जो ओलंपिक हुआ है और जो पदक आए, पूरा देश ऊर्जा से भर गया। मतलब अपबीट हो गया सबका मूड। अभी ऐसा एक वीडियो लेके आया हूँ जिसको आप सहज सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी मेडलिस्ट हैं हमारे ओलंपिक के, सबको एक साथ लेके आया हूँ और खेल की और कुछ जानकारियाँ दूंगा। देखिए, ये हैं मीराबाई चानू। इनका ऑफिशियल नेम है चानू सेखो मीराबाई। वेट लिफ्टर हैं, आप सबको पता है टोक्यो ओलंपिक में, ये 2020-21 में अभी अभी भारत के लिए इन्होंने पहला पदक जीता, सिल्वर मेडल, रजत पदक। इनकी कोच है जानी पहचानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने वाले कुंजा रानी देवी, सब जानते हैं। चानू ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला थी। 49 किलो में इनका मुकाबला था। वैसे 46 किलोग्राम में वर्ग में इन्होंने तो पहले भी कई प्रतियोगिताएं जीती हैं, विश्व चैंपियन बनी हुई हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक बटोर चुकी हैं। जब स्कूल में थी ना तो एक साथ कई लड़कियों को गुच्छा बना करके उठाती रहती थी। लोग कहते थे वाह कितनी ताकत है। बताइए, इसी चानू ने ओलंपिक खेल की शुरुआत में ही पदक लाकर पूरे देश में और खिलाड़ियों को जोश से भर दिया था। चानू के बाद दूसरी खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ये अपने आप में ये लड़की चमत्कार है। दक्षिण भारत की है, बैडमिंटन चैंपियन है। ये लगातार दो ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतती रही हैं। पिछले बार भी बैडमिंटन एकल में प्रतियोगिता में मेडल जीत के आई थी, इस बार भी मेडल जीत के आई है। कहते हैं कि 21 साल की जब थी तो रजत जीता, 25 साल की है तो कांस्य जीता, और इससे आगे इसे गोल्ड लाना है। 2016 में ओपन चाइना का खिताब भी अपने नाम किया था पीवी सिंधु ने। चानू के बाद सिंधु ने ओलंपिक पदक हासिल किया तो भारत के सोशल मीडिया इस नारे से भर गया कि बेटियां पदक ला रही हैं। बिल्कुल सही था, लेकिन बेटे भी पीछे नहीं रहे। रवि दहिया रेसलर कुश्तीबाज ने अपना रंग दिखाया। रवि कुमार दहिया गोल्ड से चूके, लेकिन सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने पदक हासिल किया, जो पहलवान सुशील कुमार के बाद सिल्वर जीतने वाले रवि दहिया दूसरे पहलवान हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव से हैं, किसान परिवार से हैं और जिद्दी हैं, दम है। 2017 में घुटने की इंजुरी हो गई थी, उससे बाहर आए, देश को मेडल दिलाया। हम तो कहते हैं जय हो रवि दहिया की, बहुत बहुत बधाई। लवलीना ने तो कमाल कर दिया, बॉक्सर है, आसाम की है, 23 साल की है और 69 किलो वेट में बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हैं ओलंपिक में। पूरा देश, भारत का एक नागरिक उनकी जीत से झूमा, ऊर्जा से भरा। लवलीना की निष्ठा देखिए, पहले मैचों में 0-5 से शिकस्त मिली थी, लेकिन अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दिया, इसने वापसी की, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। लवलीना कह रही थी कि और बेहतर कर सकती थी, इसको रिदम नहीं मिला, लेकिन लवलीना ने जो किया, लवलीना जो आपने किया उससे पूरा देश खुश है, पूरा देश को आपके ऊपर गर्व है। ये हैं भारतीय हॉकी टीम के छोरे, छोरों की टीम है। 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता है। जर्मनी को हराकर भारतीय छोरों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1980 के बाद ये मंजर देखने को मिला है, ऐतिहासिक जीत है और इस जीत को पूरे भारत ने महसूस किया। अपना गोलकीपर को देखा, गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ के बैठ गया, एक्सप्रेशन ऑफ विनिंग द मोमेंट्स। ओहो, मैच भी क्या था भाई, 5-4 से जीत हासिल हुई, एकदम नेक टू नेक मैच था।
जबरदस्त मुकाबला था। ऐसा भी नहीं था कि हॉकी स्टिक के साथ इन लोगों को निराशा नहीं हुई, हार भी नसीब हुई, दुखी भी हुए, लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ वापसी की। और यही तो खेल है और यही खेल की जिंदगी है। भारतीय महिला टीम की हॉकी की छोरियों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया, बस मेडल से चूक गई। कमाल का दमखम दिखाया, जब भी जीती पूरे देश इनके साथ जोश में आया, जीता हुआ महसूस किया। लड़कियों ने कमाल का संघर्ष किया, हारी तो लगा कि दिल टूटा कई टुकड़ों में, ये क्या हो गया? अरे बच्चे, इस तरह कोई दुखी होता है क्या? अरे खेल है लड़कियों, तुमने कमाल का खेल दिखाया। अपनी साख रखी, चौथे नंबर पे आई, यानी पूरी दुनिया में भारतीय छोरियां, हॉकी की खिलाड़ी छोरियां जो हैं वो चौथे नंबर की हैं। अगली बार मेडल ले आना, क्या जाता है? मतलब देखिए ना, ये महिला हॉकी टीम की छोरियां कहाँ कहाँ कहती हैं, गांव की हैं, वो झारखंड के अंदर की खिलाड़ी हैं, आदिवासी हैं, गरीब परिवार से आई हुई हैं। क्या दम, क्या खम, 18-20-22 साल की छोरियां हैं। इनसे बहुत उम्मीद है देश को, राष्ट्र को। और अब बात करते हैं पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया, बजरंगी रेसलर पहलवान, ब्रॉन्ज मेडल जीता है देश के लिए। हरियाणा के झज्जर के हैं बजरंग पुनिया, 2016 से ही पदक जीते आ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में। गोल्ड मेडल जीतने वाले पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता। पूरे देश को गर्व है पुनिया पर। 27 साल का पहलवान बजरंग पुनिया के गुरु मेंटोर हैं योगेश्वर दत्त, आप सब जानते हैं। बजरंग पुनिया के आगे अभी कई आसमान है जिसे इसे जीतना है, जहां इसे अपनी उड़ान भरनी है। बजरंग पुनिया आज राष्ट्र का गौरव बने हैं, देश सम्मानित हुआ है इनके मेडल से, गर्व है हम सबको। अदिति अशोक गोल्फ के इतिहास रचने में रह गई, चौथा स्थान मिला इनको। पूरी दुनिया में अदिति अशोक गोल्फ में अब चौथे नंबर की महिला हैं, इतना तो तय है, हम सबको गर्व है अदिति अशोक पे। कमल प्रीत छठे स्थान पे आई, गोला फेंक डिस्कस थ्रो वाली कमल प्रीत ने क्वालिफाइंग राउंड में 64 मीटर फेंक दिया था, जो फाइनल राउंड में वहां तक नहीं पहुंच पाई, शायद रिजर्व नहीं मिला। ये नसीब की बात होती है, ये तो गोल्ड लेके आती भाई साहब। जो क्वालिफाइंग राउंड में जितना फेंका था उतना तो फेंक ही नहीं पाई, 63.70 मीटर इसका रहा। और इनका पर्सनल है 69.59 मीटर इनका पर्सनल स्कोर है। कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती है, लेकिन अपने लोग, अपने वतन के लोग साथ देते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। कमलप्रीत कौर जी, आपने कमाल का काम किया है, कमाल की प्रतिभा दिखाई है आपको, और आप पर पूरे देश को गर्व है। और ये है नीरज चोपड़ा सर। क्योंकि हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया, अच्छे से मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला, उसमें ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप अपना शत प्रतिशत दीजिए, बस यही मिजाज। गोल्डन बॉय, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भारतीय नौजवान, सेना का सिपाही, राष्ट्रीय गान गूंजा
टोक्यो ओलंपिक में पूरा राष्ट्र गौरवान्वित हुआ। नीरज के गोल्ड आने से जो चमत्कार हुआ, बताएं आपको कि पदक तालिका में जो भारत 66वें स्थान पे था, 19वें स्थान पे आ गया, सीधा 47 स्थान की बढ़ोतरी। हम सभी ओलंपियंस को दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने राष्ट्र के सम्मान में बढ़ोतरी की है, उन सब पर गर्व है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं, साथ मिलके बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। Subscribe, click on the bell to turn on notifications.